तमाम एरिए ओल्ड एरिया है। अब ये देखें, ये चौरंगी किसी ज़माने में बनी हुई होगी, अभी तक वैसी की वैसी है, लेकिन कचरा कुंडी में तब्दील हो चुकी है। के क्या में पाकिस्तान से पहले का ये इलाका होगा, रामसामी, जो नाम से ही अंदाज़ा होता है, और पाकिस्तान बना डिस्को मोड़ हो गया, तो ये इस किस्म के नाम अभी तक तब्दील नहीं हुए, और ये वैसे के वैसे ही नाम पर मुश्तमिल इलाके। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं दोस्तों? दुआ करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज का एक और ब्लॉग हमारा ये है रामस्वामी। तो रामस्वामी का आज हम आपको ब्लॉग बनाकर दिखा रहे हैं। मैं तो काफ़ी टाइम के बाद यहाँ आया हूँ, तो यहाँ पर तो प्लाज़ा ही प्लाज़ा नज़र आ रहे हैं इसके अतराफ़, और काफ़ी तब्दील हो चुका है ये इलाका। किसी ज़माने में यहाँ छोटे छोटे मकानात हुआ करते थे, और अब तो हमें यहाँ पर नक्शा ही तब्दील नज़र आ रहा है। चले जी, आगे कुछ और गलियाँ दिखाते हैं कुछ। सच्ची बात यह है कि इस इलाके की क्या हिस्ट्री है अभी तो फ़िलहाल हमें नहीं मालूम। अब ये ये कौन ज़ाहरी बोला? बात है कि क़याम पाकिस्तान से पहले का ये इलाका होगा, रामसामी, जो नाम से ही अंदाज़ा होता है, और पाकिस्तान बनने के बाद इतने साल हो चुके हैं, अब 2024 चल रहा है, लेकिन इसका नाम अभी तक रामस्वामी रखा हुआ है। बहरहाल यहाँ पर तो काफ़ी बड़े प्लाजे वगैरह हमें नज़र आ रहे हैं, अंदर कुछ मकान पुराने भी मौजूद हैं वक्तों के। बहरहाल ये पुराने नाम हैं, और शहर कराची में तो अब तक उसी ज़माने के नाम चल रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम सेंट्रल के इलाके में आ जाएं, या नागन चौरंगी हो गया, अंडा मोड़ हो गया, डिस्को मोड़ हो गया, तो ये इस किस्म के नाम अभी तक तब्दील नहीं हुए, और ये वैसे के वैसे ही नाम पर मुश्तमिल इलाके हैं। तो रामसामी हो गया, रेंचो लाइन हो गया, सोल्जर बाजार है, तो ओल्ड एरिया के तकरीबन इसी तरीके के नाम हैं। डेंसो हॉल हो गया, गोल्डन मार्केट, तो हर इलाके की अपनी एक हिस्ट्री है। अच्छा जी, जो हमारे चैनल पर नए आए हैं उनसे गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स में अपने ख्याल का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो एक और गली, एक और इलाका, ये थोड़ा बहुत यहाँ पर हमें पुराने वक्तों के मकानात नज़र आ रहे हैं। अच्छा, रामस्वामी के अतराफ़ आप आगे की तरफ जाएंगे तो रेंचो लाइन भी लगता है, और वापसी की तरफ जाते हुए तो शहर की तरफ आपको गार्डन भी लग जाएगा। तो ये तमाम एरिए ओल्ड एरिए हैं। अब ये देखें, ये चौरंगी किसी ज़माने में बनी हुई होगी, अभी तक वैसी की वैसी है, लेकिन कचरा कुंडी में तब्दील हो चुकी है। ये छोटे छोटे मकानात और उनके साथ साथ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी आमने सामने मौजूद हैं, तो काफ़ी चेंजिंग नज़र आई है हमें। हम भी यहाँ पर तकरीबन 8-10 साल के बाद आए हैं, तो हमें भी काफ़ी चेंज लगा है। अब जो यहाँ रह के जा चुके होंगे तो वो बता सकते हैं कि पहले किस तरह का इलाका था ये, और इसकी हिस्ट्री क्या है, और ये रामसामी नाम किसके ऊपर वजह से पड़ा, कौन सी शख्सियत थी क़याम पाकिस्तान से पहले, क्या कुछ था, ये अभी हमें नहीं पता। इसकी हिस्ट्री जब तक हमें मालूम नहीं तो हम अपनी तरफ से तो कुछ कह नहीं सकते। तो ये इलाका है रामस्वामी का, और गंदगी आप देख सकते हैं यहाँ पर, सीवरेज की लाइनों का प्रॉब्लम हर जगह है। अब तो मेन कराची के शहरों में ही जैसे जैसे प्लाजे वगैरह बन चुके हैं, पोर्शन वगैरह बन रहे हैं, लेकिन सीवरेज की लाइनों का सिस्टम वही पुराना है, तो प्रॉब्लम तो होती है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की मार्केटें मौजूद हैं, दुकानें हैं, कमर्शियल एरिया तो ये तकरीबन कराची पूरा हो चुका है। किसी भी इलाके में आप दाखिल हो जाएं, रिहायशी इलाका तो नज़र नहीं आता, कमर्शियल इलाका ज़्यादा लगता है। चले जी, मेन रोड पर आ चुके हैं, और सामने वाली पट्टी को भी आपको दिखा दें चलते हुए, रास्ता में मिल गया है, ट्रैफिक जाम है, पुरानी पुरानी बिल्डिंगें भी यहाँ पर मौजूद हैं,
क्या हमें पाकिस्तान से पहले की, और उनके सामने नए प्लाजा भी ये आपको नज़र आ रहे होंगे। शाम का टाइम है, स्टॉल वगैरह लगना शुरू हो चुके हैं। यहाँ से हम उल्टे हाथ पर दाखिल होते हैं और थोड़ा और इलाका आपको दिखाते हैं, और उसके बाद फिर हम गार्डन की तरफ निकलेंगे। यहाँ पर भी आप सीवरेज की लाइनों का अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि सीवरेज का प्रॉब्लम तो पूरे कराची में है ये इशू। पाकिस्तान बनने के बाद मेरे ख़्याल में शायद ही कोई सीवरेज का सिस्टम सही हुआ हो। अब आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ काम किए जा रहे हैं, इलाकों में नए लाइनें डाली जा रही हैं। चलें जी, काफ़ी चेंज हमें नज़र आया है इलाका। अब यहाँ से सीधे हाथ पर टर्न लेंगे, कुछ और इलाके आपको दिखाते हैं रामसामी के, और फिर उसके बाद हम गार्डन वाला रूट पकड़ लेंगे। बल्कि अब तो मेरे ख़्याल में जी ये मेन रोड आ गया गार्डन वाला। ये देखें, सीधा रोड आ रहा है गार्डन का, और ये सीधा जाएगा सामने चिड़ियाघर आ जाएगा। तो यानी कि अब ये गार्डन का एरिया शुरू हो चुका है। रामस्वामी के एरिया से हम निकल के आ चुके हैं और ये गार्डन का एरिया है। यहाँ का भी आप देख लें क्या सूरत हाल है। बड़े बड़े प्लाजा बने हुए हैं, किसी वक्तों में यहाँ पर भी छोटे छोटे मकानात हुआ करते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़र रहा है तो शहर कराची भी तब्दील होता जा रहा है। छोटे मकानातों की जगह बड़ी बड़ी बिल्डिंगों ने ले ली है। काफ़ी रौनक वाला इलाका लग रहा है, गार्डन का एरिया है। मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर दुकानें हैं, वर्कशॉप भी हैं, होटल भी हैं। अच्छा, ये रोड काफ़ी चौड़ा है, इसलिए बआसानी यहाँ से ट्रैवल किया जा रहा है। मस्जिद है राइट साइड पे, ये मार्केट आ गई बाइकों की। ये सारी बाइकों की मार्केट है, यहाँ पर बाइक के रिपेयर भी होती हैं, मैकेनिक वगैरह बैठे हुए हैं। अच्छा जी, कैमरे की चार्जिंग ख़त्म हो रही है और वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।